10 दिन तक चलेगा देवरिया महोत्सव। ये करीबन 10 दिन का हमारा कार्यक्रम है। किसानों की आय होगी दोगुनी। 2022 तक किसानों की आमदनी हमें दोगुनी करनी है। बाबा रामदेव सिखाएंगे योग। बाबा रामदेव जी का बहुत विशाल योग शिविर होगा। कैलाश खेर और मोहित चौहान की प्रस्तुति। कैलाश खेर जी का एक कार्यक्रम है 27 तारीख को, मोहित चौहान जी आ रहे हैं। देवरिया महोत्सव की तैयारी जोरों पर है। एक से बढ़कर एक हस्तियों के आने की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में देवरिया महोत्सव की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। 10 दिवसीय महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई हैं, जिसमें गांव के विकास और किसानों को स्वावलंबी बनने के तरीके सरकारी विभागों द्वारा बताए जाएंगे। खादी ग्राम उद्योग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। महोत्सव में एम्बुलेंस और पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई है। महोत्सव में 26 फुट ऊंचा स्टेज बन रहा है। स्टेज बनाने वाले कारीगर से बात की गई तो उसने बताया, इस पंडाल को लगाने वाले ठेकेदार राजू हैं, जो कि बहराइच से आए हैं। कारीगरों के अनुसार वह बिना किसी सेफ्टी बेल्ट और सुरक्षा उपकरण के अपनी जान जोखिम में डालकर इस पंडाल को सजा रहे हैं। कितने दिनों से काम चल रहा है यहाँ पे? 3 दिन हो गए। कितनी फुट ऊंचाई है? 26 फुट है। उसके ऊपर आप लोग बिना सेफ्टी बेल्ट के काम करते हो? इंश्योरेंस वगैरह है आप लोगों का? क्यों ठेकेदार है ये टेंट का? राजू, कहाँ से आए हो? कि सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाए हो? सेफ्टी बेल्ट लगी होती है, स्टूल पे तो पैर लगे। पैर फिसल गए। तो क्यों सीढ़ी वगैरह नहीं लगाई? कच्चे लकड़ी पे काम है। सीढ़ी तो लगी हुई है। ठेकेदार आप हैं? क्या नाम है आपका? अंतिक अग्रवाल। कहाँ से आए हैं? यहाँ छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? छोटे बच्चे कोई काम नहीं कर रहे। क्यों? अभी एक बच्चा ऊपर चढ़ा, कई साल की उम्र है वो? 15-16 साल। बालिक है? बालिक नहीं है सर, लेकिन उनके पापा ही हमारे पास काम कर रहे हैं, तो हम क्या करें? नहीं ठीक है, बालिक है सब। बालिक नहीं है। आज 24 जनवरी से किसान मेला लगाकर किसानों को अपनी आय दुगनी करने के तरीके को बताया जाएगा भारतीय आय विशेषज्ञों एवं मत्स्य विभाग, कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है 2022 तक प्रत्येक किसान की आय को दोगुना करने का। जिलाधिकारी अमित किशोर ने यह बताया है कि इस महोत्सव में एक से बढ़कर एक झांकियां आएंगी और देवरिया जनपद की शोभा बढ़ाएंगे। ये करीबन 10 दिन का हमारा कार्यक्रम है और इसमें विभिन्न विभाग हैं जिनके द्वारा या तो स्टॉल लगाया जाएगा या उनका कार्यक्रम होगा। जितने हमारे किसान साथी हैं, चाहे उद्यान में प्रसंस्करण काम कर रहे हो, उद्यान विभाग से जुड़े हों, उनके लिए कल एक उद्यान गोष्ठी रखी गई है और 25 तारीख से 3 दिवसीय एग्रो क्लाइमेटिक कृषि मेला यहाँ लगाया गया है। इसमें 10 भारत सरकार के द्वारा जो है 10 इंस्टीट्यूट्स को यहाँ लगाया गया है और यहाँ उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा भी ये 3 दिवसीय कृषि गोष्ठी को स्पॉन्सर। 27 तारीख को बाबा रामदेव जी का बहुत विशाल योग शिविर होगा और 26 तारीख को कैलाश खेर जी का एक कार्यक्रम है, 27 तारीख को मोहित चौहान जी आ रहे हैं और भी जो है स्थानीय कलाकार हैं, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन देने की कोशिश। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी हमें दोगुनी करनी है, उसी के क्रम में पशुपालन हो, उद्यान हो, मछली पालन के तमाम जो भारत स्तर के एक्सपर्ट्स, विश्वस्तरीय एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो उनके वो अपने बातें रखेंगे, जानकारी देंगे और इस पूरे कार्यक्रम को। कार्यक्रम में 27 तारीख को बाबा रामदेव का विशाल योग शिविर का आयोजन किया गया है और इसी दिन मोहित चौहान का कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को मशहूर सिंगर कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। देवरिया से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए अजरेश कुमार चौहान की रिपोर्ट।